जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद मोहन में। मैं मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी। बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं सेल। सेल में भी हमने कितना कुछ पढ़ लिया, सारे ऑर्गन पढ़ लिए, इसके बाद हम न्यूक्लियस पढ़ लिए, हमने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया, डीएनए के बारे में जान लिया। हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीएनए के बारे में आगे जानते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, इन ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वैज्ञानिकों ने क्या निकाला था, तो वो निकाला था न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस था। इसमें से क्या निकाला था, इसमें पाया जाता है जीव द्रव, और जीव द्रव में क्या था, जीव द्रव में था क्रोमोसोम। क्या था, क्रोमोसोम भाई, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र था। गुणसूत्र कैसा था, तो गुणसूत्र ऐसा रहता एक्स टाइप, ठीक है, ऐसा रहता था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इसको खींचा था, क्या किया जाता, खींचा था, तो खींचा था, ये कैसी ऐसी संरचना बन गई थी स्प्रिंग, और आगे चल के इस प्रकार से बन गई थी, ये डबल हेक्सागोनल हो गया था, ठीक है। तो ये क्या था, ये ही था, ठीक है। तो ये क्या था, यहां पर ये जो था, ये था डीएनए, क्या था, डीएनए, और ये जो चीज है ये क्या थी, ये थी जीन, क्या थी, ये जीन था, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम से वैज्ञानिकों ने इसको खींच के देखा, खींच के देखा तो इसमें मिला इसको डीएनए, डीएनए को और खींचा उन्होंने तो ये क्या डबल हेक्स, डबल हेक्सागन हो गया, और जो जिसमें से एक जो है, एक भाग जो है वो क्या कहलाता है, डबल हेलिक्स में से एक भाग क्या कहलाता है, यहां से लेकर यहां तक वो जीन होता है, कहां से, केवल यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इस टाइप का जो पार्ट है, ये जो है यहां से लेकर ये वाला पार्ट, ये कहलाता है जीन, क्या कहलाता है, ये जीन होता है, क्या होता है, जीन होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए जीन में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड भाई, ये क्या था, ये था न्यूक्लियो, न्यूक्लियो, न्यूक्लियोटाइड, क्या थे, न्यूक्लियो टाइड थे। अब ये न्यूक्लियोटाइड होते कितने हैं, तथा एक जीन में मतलब एक भाग में कितने ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो वो होते हैं 10। कितने होते हैं भैया, 10 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इसके जीन के एक भाग में होते हैं। परंतु इनकी डिस्टेंस कितनी होती है, यानी कि दूरी कितनी होती है, तो दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। भैया एंगस्ट्रॉम जो होती है वो बहुत ही छोटी इकाई होती है, कैसी होती है, बहुत ही छोटी इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। अब देखिए जो टोटल इनकी दूरी है वो कितनी है, वो है 34 एंगस्ट्रॉम, और टोटल न्यूक्लियोटाइड यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितने हैं, 10 हैं। तो इसमें से अपने को एक की दूरी निकालने को बोल दिया जाए, तो क्या करेंगे, 10 में भाग देंगे, यानी कि एक की दूरी कितनी आ जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जीन है, जीन में कितने हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड है, 10 न्यूक्लियोटाइड प्रत्येक की दूरी कितनी है, 3.5 एंगस्ट्रॉम होती है। देखो भाई जो क्रोमोसोम होते हैं वो सब में अलग होते हैं। देखिए जो चिंपांजी होता है, क्या होता है, चिंपांजी आपने सुना भी होगा, चिंपांजी में कितने होते हैं, तो 48 क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। कितने होते हैं चिंपांजी में, 48 होते हैं। हम में कितने होते हैं, इंसान में, इंसान में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 46 यानी कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम हम लोगों में होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम तो होते हैं, परंतु ये सब में सेम नहीं होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम हम में है वही चिंपांजी में होगा ये जरूरी नहीं है। जैसे हम शर्ट सभी के पास है भाई, शर्ट हम कपड़े पहनते हैं सभी के पास है, परंतु सबके पास अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग डिजाइन की होती है। वैसे ही क्या होता है भाई, चिंपांजी में 48 होते हैं, हमसे ज्यादा ही होते हैं। तंबाकू में कितने होते हैं, तंबाकू में 48 होते हैं, काय में तंबाकू में कितने होते हैं, तंबाकू में 48 क्रोमोसोम होते हैं। ये गुणसूत्र है, क्या है, गुणसूत्र है, परंतु सब अलग 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 होते हैं। ऐसा नहीं कि हम में इतने 46 हैं तो हम में भी सेम होंगे और इनमें भी सेम होंगे, नहीं, सेम नहीं है, सब अलग अलग है।
ठीक है। तो ये क्या है, ये डीएनए है, इसमें ये भाग क्या होता है, जीन होता है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइड भरा होता है। इसकी दूरी कितनी है, तो टोटल दूरी इसकी है 34 एंगस्ट्रॉम, तो एक की दूरी कितनी होगी, 10 में भाग दे देंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो क्रोमोसोम ठीक है, क्रोमोसोम जो है इसकी खोज किसने की थी भैया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं सर, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, वो की थी वॉल्डेयर ने, किसने, वॉल्डेयर साहब ने क्रोमोसोम की खोज की थी, क्या की थी, खोज की थी, किसने की थी, वॉल्डेयर साहब ने क्रोमोसोम की खोज की थी, ठीक है। तो जो और मैंने कल आपको बताया था कि जो मेन इकाई यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए मेन जो इकाई है वो क्या है, जीन है, यानी कि मॉडिफिकेशन होगा किसका, इंसान के जीन का, इंसान में जेनेटिक इंफॉर्मेशन में यदि चेंज होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो है जीन। देखते हैं, देखिए डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए ये बना काय का होता है, ये बना होता है अभी न्यूक्लियोटाइड, क्या है, न्यूक्लियोटाइड, क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के भी कितने पार्ट, दो पार्ट, एक होता है न्यूक्लियोसाइट, क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइट और दूसरा जो होता है वो होता है फॉस्फेट, क्या होता है, फॉस्फेट, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियोसाइट और एक होता है फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड के भी दो प्रकार हैं, क्या क्या है भैया, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड के भी दो प्रकार हैं, जिसमें कि एक जो है वो है सुगर, क्या है, सुगर है, और एक जो है वो है नाइट्रोजन बेस, क्या है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, सुगर, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। फॉस्फेट इस इकाई का बना होता है, फॉस्फेट का बना होता है, डीएनए इकाई का होता है, फास्फोरस यानी कि फॉस्फेट का बना होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। अब सुगर कौन कौन सी होती है, अभी मैंने बताया, क्या सुगर कौन कौन सी होती है, तो डीऑक्सी, ये तो होती है डीऑक्सी राइबोस, क्या है, डीऑक्सी राइबोस, और आरएनए में कौन सी होती है, राइबोस, आरएनए में कौन सी होती है, राइबोस, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस, क्या, देखिए जो नाइट्रोजन बेस है इसमें भी दो प्रकार हैं, जिसमें पहला है प्यूरीन, क्या है, प्यूरीन, अरे मार्कर भी खुल गया था, पहला क्या है, प्यूरीन है, क्या है, प्यूरीन, दूसरा क्या है, पाइरेडेमीन, क्या है, पाइरेडेमीन, ठीक है। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के हैं, पहला है प्यूरीन और दूसरा है पाइरेडेमीन। अब प्यूरीन में कौन कौन से होते हैं, तो एजीओजी, ठीक है, एजी किस में है, एजी प्यूरीन में है, और टीसी, टीसी किस में है, टीसी जो है वो पाइरेडेमीन का बना होता है। तो डबल बॉन्ड किसमें होता है, एटी में, और ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है, जीसी में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं संरचना, देखिए डीएनए जो है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें की पहला है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में भी दो टाइप थे, एक था सुगर एक था नाइट्रोजन बेस। जो सुगर होती है वो होती है डी, ये होती है डीएनए में, किसमें, डीएनए में, क्या होती है, डीएनए में होती है डी डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए में जो होती है वो कौन सी होती है, राइबोस सुगर होती है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस इसके भी दो प्रकार हैं, पहला था प्यूरिन, दूसरा था पाइरेडेमीन। तो प्यूरिन में जो आते हैं वो एजी, और टीसी जो होता है वो प्यूरिन में आते हैं एजी, और पाइरेडेमीन में आते हैं टीसी, यानी कि एडेमीन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये क्या है, ये किसमें पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था ये इसमें पाए जाते हैं, अरे ठीक है, ये किसमें पाए जाते हैं, इसके अंदर एटीजीसी, ये चार उपस में पाए जाते हैं, जीन में एक पार्ट था उसमें,
पाए जाते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय।